MedGate Today presents one of the most prestigious awards in the world of healthcare, the 8th India Healthcare Awards 2018, in association with Mesa Dusseldorf at the Medical Fair India, Mumbai, on 16th March 2018. Nominations are open for doctors, hospitals, medtech companies, and healthcare professionals. नमस्कार, मैं ब्रज किशोर मिश्रा, स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे में। आज आपके बीच एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर पूरा देश परेशान है, घर घर में इसके मरीज मिलने लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को तत्काल नहीं मारती, लेकिन यदि आपने इस बीमारी को नजरअंदाज कर दिया तो आपकी जिंदगी बहुत ही कष्टदायक हो जाएगी। कई सारी बीमारियों के आप चपेट में आ जाएंगे और धीरे धीरे आप मौत के निकट पहुंच जाएंगे। शुगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी फॉर्म में शुगर हो, शुगर हमारे लिए लाभकारी नहीं है। डायबिटीज आखिर हो क्यों जाता है? डायबिटीज हो जाने के बाद भी इंसान स्वस्थ तो दिखता है, तो फिर कई सारी बीमारियों से ग्रस्त कैसे हो जाता है? डायबिटीज बीमारी से ग्रस्त इंसान यदि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ना करे तो कब और कैसे यह बीमारी इंसान के मौत का कारण बनने लगती है? इस तरह के कई सवालों के जवाब से आज इस प्रोग्राम में बहुत ही बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे। डायबिटीज पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर अमृत मित्तल। इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, पिछले 30 सालों से डायबिटीज पर काम कर रहे हैं। इन्हें पद्म भूषण के अलावा बीसी रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मित्तल, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि डायबिटीज है क्या और इसे पहचाना कैसे जा सकता है। डायबिटीज का कॉमन लैंग्वेज में मतलब होता है ब्लड शुगर, यानी रक्त में शर्करा का बढ़ना, शर्करा की मात्रा का बढ़ना। हाई ब्लड शुगर से डिफाइन करते हैं डायबिटीज को, लेकिन डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर नहीं है। डायबिटीज़ के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर भी बढ़ी होती है साथ में, और ब्लड शुगर से जो असर होते हैं शरीर पे वो भी होंगे साथ में। ब्लड प्रेशर का इशू भी रहता है बहुत बार कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है, हार्ट के रिस्क का इशू रहता है। तो डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है जिसमें कि ब्लड शुगर एक डायग्नोसिस का तरीका है। सीधे शब्दों में आप ये जान लें कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे शरीर को ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। उन ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन काम करता है, लेकिन यह इंसुलिन जब काम करना बंद कर दे या वह बनना ही बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल के लिए काम नहीं करता और हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है। ऐसे हालात में हम डायबिटीज के मरीज कहलाते हैं। डॉक्टर अमरीश, अभी आपने कहा कि 50% डायबिटीज मरीज तो अपनी इस बीमारी के प्रति अनजान होते हैं। क्या यह बीमारी जेनेटिक है? किन किन लोगों में इसके होने के चांस ज़्यादा दिखते हैं? देखिए, डायबिटीज़ डेफिनेटली हेरिडिटरी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो परिवार में, वंश में चलती जाती है। अगर पेरेंट्स में डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क डायबिटीज़ का बहुत बढ़ जाता है। अलग अलग स्टडीज ने शो किया है 25-50% लोगों को जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ होती है। अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है तो रिस्क आपका बहुत ही है, तब तो आपका बचने का चांस बहुत कम है डायबिटीज़ से, अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए हम लोग बोलते हैं कि जीन्स जो हमारे हैं वो हमको डायबिटीज़ के लिए प्रोन करते हैं, हमारी सड़क का स्लोप कर देते हैं। तो मतलब हम उसके ऊँचाई पर खड़े हैं लेकिन हम स्लिप नहीं किए हैं कई बार, बस हमें पता है कि एक तरफ ढलान है। और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, जो हम गड़बड़ अपने खाने पीने में, एक्सरसाइज में, नींद में, इन सब में करते हैं, उससे हम उस ढलान पे चले, वी गो डाउन दैट स्लोप। सो इसका एक और हम एग्जांपल देते हैं। अगर हमारी हेरिडिटरी या जीन्स हमारी, अगर वो सीड्स हैं जो कि डायबिटीज़ को जन्म दे सकती हैं, तो एनवायरनमेंट, वो फर्टाइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर अच्छा आप उसको सॉइल देंगे तो सीड ग्रो करेगा। तो ये उल्टा है, मतलब अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हम डायबिटीज़ को ग्रो ना होने दें, बढ़ने ना दें, ऐसा एनवायरनमेंट ना दें,
तो हो सकता है कि जीन सीड होने के बाद भी वो ग्रो ना कर पाए ठीक से। मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है जीन्स का और वातावरण का, एनवायरनमेंट का, लाइफस्टाइल का। ऐसा बहुत बार होता है कि जो जेनेटिकली प्रोन है, जिनका रिस्क है, वो भी अपने आप को बचा पाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। और ऐसा होता है जिनके परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं है लेकिन वो केयरलेस हैं या उनका वज़न बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, न सोने का टाइम न उठने का टाइम, रात को काम कर रहे हैं, फास्ट फूड हर समय खा रहे हैं, तो बिना फैमिली हिस्ट्री हुए भी उनको डायबिटीज हो सकती है। मानव शरीर में पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस एक ग्लैंड है। इनमें दो सेल होते हैं, अल्फा और बीटा। यह बीटा सेल इंसुलिन नाम के हार्मोन को तैयार करता है। कई बार यह इंसुलिन तैयार करना बंद कर देता है या इससे निकले इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर मित्तल, मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है, किडनी, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, लेकिन डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं किया जा सका। ऐसा आखिर कौन सा मैकेनिज्म है जो हम डायबिटीज पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से, उसके और ऑर्गन्स की स्थिति के हिसाब से, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से आप दवाई चूज कर सकते हैं। तो दवाइयाँ पहले से डायबिटीज़ की बहुत बेटर हो गई। दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक तो लो ब्लड शुगर नई दवाइयों से नहीं होता, ये बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, नई दवाइयाँ जो डायबिटीज़ की, उनसे वज़न कम होता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को वज़न कम करने के लिए बताते हैं और डायबिटीज़ की कुछ दवाइयों से, पुरानी दवाइयों से वज़न बढ़ता है। तो न्यू मेडिसिन्स का ये बहुत बड़ा फायदा है। तो मेडिसिन्स में तो इनफैक्ट अगर आप उठा के देखें ड्रग रिसर्च, तो अगर कोई एक बीमारी है जिसमें मैक्सिमम नई दवाइयाँ डेवलप की जा रही हैं इंडस्ट्री से, तो वो डायबिटीज़ है। तो दवाइयों में तो बहुत प्रोग्रेस हुई है, कोई डाउट नहीं। ब्लड शुगर चेकिंग में प्रोग्रेस हुई है, बहुत बहुत प्रोग्रेस। ब्लड शुगर चेकिंग पहले किस तरह था, अब इतना आसान होता जा रहा है। आप पैच लगा दीजिए, 14 दिन तक लगातार आपकी शुगर रिकॉर्ड होती रहेगी उसके अंदर, और उसमें पैच में कुछ नहीं, केवल पैच लगा, ये हम लोग रूटीनली यूज कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस में बहुत फर्क पड़ा है, हमारे ओवरऑल दवाइयों में बहुत फर्क पड़ा है। और आगे बढ़ें, अगर इंसुलिन की ओर जाएं, नए नए तरीके, इंसुलिन पंप्स का यूजेज। इंसुलिन पंप तो पहले इंडिया में कोई सोचता भी नहीं था, अब पंप में कितना एडवांस हो गया। जो टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, विशेषकर जो बच्चों में होती है, पंप्स का यूजेज बढ़ता जा रहा है। उसमें पंप आने क्या होता है, छोटी सी डिवाइस जिसमें इंसुलिन लोडेड रहता है, उसको आप यहाँ लगा लेते हैं, ऐसे पेजर के साइज़ की होती, आपने यहाँ स्ट्रैप कर लिया और उससे एक छोटी सी नीडल अंदर कनेक्टेड रहती, वो इंसुलिन को कंटिन्यूसली डिलीवर करती रहेगी आपके बॉडी में। फिर आप उसमें एक रिमोट होता है जिसमें जब आप कुछ खा रहे हो तो उसके पहले आपने 4 दबा दिया तो 4 यूनिट चला गया, 6 दबा दिया 6 यूनिट चला गया, अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल, ऊपर से एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं। बच्चा है, बर्थडे पार्टी में जा रहा है, सडनली खाना पड़ा, बटन दबा दिया, चले गए एक्स्ट्रा इंसुलिन, वो ठीक। इसमें और एडवांस हुआ है, इसमें बहुत तरह के एडवांस होते जा रहे हैं। अलार्म लग गए हैं, लो शुगर पे अलार्म बजने लगता है, हाई शुगर पे अलार्म बजने लगता है। सेंसर आपने लगा दिया अलग, पंप लगा दिया अलग, एक से शुगर चेक हो रही है, एक से इंसुलिन जा रही है। नए मॉडल्स में इनको कनेक्ट भी कर दिया गया, माने कि आप शुगर के हिसाब से, शुगर की मात्रा के अनुसार वो इंसुलिन डिलीवर करेंगे। ये भी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो प्रोग्रेस तो बहुत हुई है, लेकिन अगर आप, मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्योर के बारे में पूछ रहे थे, तो क्योर तो अभी भी इल्यूसिव है। क्योर एक होली ग्रेल है जिसको अभी हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का क्योर तो मुझे लगता नहीं कि आसानी से होगा, लेकिन अगर होगा तो सिर्फ वेट लॉस से ही होगा। एक बहुत बड़ा सवाल, चीनी खाने से क्या डायबिटीज हो जाता है? और यदि डायबिटीज हो जाए तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो समय रहते पता चल जाए? देखिए, शुगर जो है, ये आपको पता है कि शुगर की डिस्कवरी भी इंडिया में हुई थी। इंडिया का योगदान डायबिटीज़ के लिए बहुत है। खाली ये नहीं कि इस समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़, पर जब अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी ग्रीस से, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक उसमें से क्या निकाल रहे हैं, एक डंडी में से, ये जिसको गन्ना हम लोग बोलते हैं, और वहीं शुगर के क्रिस्टल उन्होंने पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे यहाँ से। शर्करा नाम संस्कृत का वर्ड है, शर्करा, शर्करा मीन्स ग्रेवल, चूरा जैसे होता है उस तरह इट मीन्स। तो शुगर का कनेक्शन बहुत लंबा है। तो शुगर अनफॉर्चुनेटली, किसी भी फॉर्म में शुगर हो, शुगर हमारे लिए लाभकारी नहीं होती। और हालांकि डायरेक्ट नहीं है कि ज़्यादा चीनी आप खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा चीनी खाएंगे
तो आप वेट अपना नहीं मैनेज कर पाएंगे। डेफिनेटली वजन आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली पैनक्रियास पे आपके स्ट्रेन पड़ेगा, डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ेगी। तो अधिक शुगर तो नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद आजकल बोलते हैं शुगर खाना स्मोकिंग के बराबर है, शुगर इज़ द न्यू स्मोकिंग, विच मीन्स दैट डायबिटीज़ की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल शुगर इनटेक को कम करना चाहिए, सिंपल शुगर इनटेक को कम करना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज़ और उसकी जैसी बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। डायबिटीज़ से कोई सिम्टम नहीं होते हैं, इसलिए डायबिटीज़ का पता सिर्फ टेस्टिंग से ही लगता है बहुत बार अधिकतर। तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनको 30 साल के वर्ष के बाद तो हर साल ब्लड शुगर का टेस्ट कराना ही चाहिए। और अगर वो फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ उनमें मोटापा भी है, ओबीज है, ओवरवेट है, तो शायद उनको बहुत जल्दी कराना चाहिए, 20 के बाद ही टेस्ट कराने शुरू कर देने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कई बार कि अगर ओवरवेट हैं तो बच्चों में भी टेस्ट कराना चाहिए शुगर का, क्योंकि आजकल बच्चों में भी शुगर निकल आती है अगर फैमिली हिस्ट्री और ओवरवेट दोनों हो। और जब आप टेस्ट कराते हैं अगर शुगर का करा रहे हैं तो साथ साथ कुछ और टेस्ट भी हैं जो डायबिटीज से कनेक्टेड, वो भी करा लेने चाहिए। चीनी से डायबिटीज के रिश्ते को हम और स्पष्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। टुडे अपने डॉक्टरों की टीम के आधार पर आपको मात्र 20 रुपए प्रति माह की मेडिसिन बताएगा, जिससे आप हर माह 20 रुपया खर्च कर अपनी डायबिटीज पर नियंत्रण कर सकेंगे। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दूं, ये चीनी ज्यादा का मतलब आप चाय में एक चम्मच चीनी ज्यादा लेते हैं या इसी तरह कुछ खाने में चीनी थोड़ा ज्यादा लेते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे भोजन में कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें चीनी से ज्यादा शुगर होता है। डॉक्टर मित्तल, डायबिटीज की बीमारी में इलाज करने के दौरान सामान्यतः डॉक्टर मरीज के सामान्य जिंदगी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन दे दी जाती है, लेकिन मरीज मेडिसिन लेने के अलावा आयुर्वेद की भी साथ साथ दवाइयां लेना शुरू कर देता है, कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं। इस हालात में कई बार मरीज का शुगर लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इन हालात में कई बार मरीज की जान पर बनाती है, क्या कहना है आपका? ये अगर डॉक्टर डायबिटीज़ जो ट्रीट कर रहे हैं, विशेषकर स्पेशलिस्ट अगर डायबिटीज़ ट्रीट कर रहे हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर रिएक्शन कि नॉलेज पेशेंट को देना ये मैंडेटरी है, एसेंशियल है। कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट अगर चेंबर के बाहर जा रहा है और अगर वो ऐसी दवाइयों पे है जिनसे लो ब्लड शुगर हो सकती है, तो उसको लो ब्लड शुगर मैनेज करने की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो एक बार बताया भी जाना चाहिए पेशेंट को और साथ में छपा हुआ हैंडआउट भी दिया जाना चाहिए कि लो ब्लड शुगर क्या होता है।
उसको कैसे पता करते हैं और जब होता है उस समय इमरजेंसी में क्या करना है। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दवाई लिखना डायबिटीज़ का अकेले ट्रीटमेंट नहीं है। अवेयरनेस, जैसे पहले बताया, डाइट और लाइफस्टाइल, लेकिन साथ साथ आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो लो ब्लड शुगर मैनेज की जा सकती है। साथ में एक बात और बोलूँगा, जितनी भी नई दवाइयाँ डायबिटीज़ के लिए आ रही हैं, नया शोध हो रहा है, जो नई दवाइयाँ पिछले 8-10 साल में इंट्रोड्यूस हुई हैं, उन सब में लो शुगर का रिस्क बहुत कम होता है। तो जितनी भी रिसर्च है इसमें इसी की तरफ है कि ऐसी दवाइयाँ आएँ जिससे शुगर नॉर्मल तो हो जाए लेकिन लो ना हो। तो इसमें बहुत प्रोग्रेस है। डॉक्टर मित्तल, सामान्यतः देखा जाता है कि लोग अपने डायबिटीज को शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं और यह इग्नोरेंस तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई समस्या शुरू ना हो जाए। हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने सालों तक डायबिटीज को यदि कंट्रोल नहीं रखा गया तो कई बीमारियों का घर बन जाता है। देखिए, डायबिटीज में जैसे जैसे साल गुजरते हैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, और पहले 5 साल तो अक्सर लोग को पता ही नहीं होता कि डायबिटीज है, और होता भी है तो ध्यान नहीं देते, ठीक फील करते हैं, उनको लगता है मैं तो ठीक हूँ, मैं फालतू दवाई वाई के चक्कर में क्यों फंसूँ, मैं तो आई एम फीलिंग ऑल राइट। तो इसलिए जैसे 10 साल क्रॉस होता है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। शुरू तो जल्दी होते हैं लेकिन 10 साल के बाद तो बिल्कुल मालूम पड़ने लगते हैं, और 15-20 साल पहुँचते पहुँचते सभी को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है अगर उन्होंने डायबिटीज़ कंट्रोल ना की हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पहले 10 साल में, जैसे आज आपको डायबिटीज़ मालूम पड़ी, अगर पहले 10 साल में, 10 वर्ष में आपने अपनी डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल रखा तो आगे आपके कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत कम होता है। और अगर आपने पहले 10 साल को छोड़ दिया ढीला और शुगर बढ़ी चल रही है और 10 साल के बाद आप अलर्ट हुए, सतर्क हुए कि अब मैं एकदम सही करूँगा, तो ऑलरेडी आप वो गोल्डन पीरियड खो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ डायबिटीज़ फर्स्ट 10 ईयर्स। सो अर्ली कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, जो लोग अर्ली शुरू से कंट्रोल कर लेते हैं उनको कॉम्प्लिकेशन कई बार होते ही नहीं है, पर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में होने लगते हैं। अब एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो डायबिटीज को लेकर क्या क्या एडवांस ट्रीटमेंट आया है, क्या कुछ नई दवाइयाँ आई है जो डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म कर दे? डायबिटीज़ में इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है अक्सर, और उसमें जो भी खर्चा है वो दिन प्रतिदिन होता ही रहेगा, हफ्ते दर हफ्ते होता ही रहेगा, महीने चलता रहेगा महीनों सालों। तो डायबिटीज़ में कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात आई विल एक्सप्लेन दैट। दूसरा डायबिटीज़, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ की केयर नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की जो कॉस्ट आती है, एक बार के आपके किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट सर्जरी में, और सारे साल, पूरे 20 साल की बचत आपकी बराबर हो जाएगी जो कि आप हर साल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट की इकोनॉमिक्स इज लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इफ़ यू ट्रीट योर डायबिटीज़ प्रॉपरली, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम मेनी मेनी थिंग्स लेटर ऑन। सो नंबर वन। नंबर टू, यस, जो भी चीज़ नई आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो आते ही आते सस्ती नहीं होगी, सबके लिए उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेटली कुछ वर्षों में वो सबके लिए उपलब्ध हो जाती है। मैं ये बोलूँगा कि 90% डायबिटीज़ आप पुराने तरीकों से मैनेज कर सकते हैं, पुरानी दवाइयों से, यूजुअल ग्लूकोमीटर से, यूजुअल तरीकों से, जो कि बहुत महंगा नहीं साबित होगा। जितना आप कंफर्ट और बेटर रिफाइनमेंट चाहेंगे उसमें वो नए नए एडवांसेस ऐड होते चले जाते हैं, और ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन जो दवा 5 साल पहले किसी एक दाम की थी वो उससे आज आधी है, और अगले 5 साल में वो एकदम कम दाम हो जाएगा। जो नई दवा आ जाएगी वो दवा तो महंगी रहेगी, ये तो पेटेंट का प्रिंसिपल है। लेकिन मैं नहीं मानता कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हम बहुत हैंडीकैप्ड हैं अगर हमें सब नई चीज़ें उपलब्ध ना हो। मैं तो ये बोलूँगा कि अधिकतर लोग अगर अपनी डाइट, लाइफस्टाइल डॉक्टर को दिखाएं और सही दवाई, पुरानी वाली चीपर मेडिसिन से भी अधिकतर डायबिटीज़ मैनेज हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी एकदम लेटेस्ट चीज़ पे जाए फॉर अ लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट। अब मतलब आप सोचिए, अगर आप, आपके ब्लड शुगर 400 है सपोजिंग, हाँ, और आप अपने पुराने तरीकों से मैनेज करके उसको 150-200 मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को बहुत हद तक बचा लिया। शायद अगर आप और बहुत नए टेक्नोलॉजी यूज़ करते तो आप 130-140 पे मेंटेन कर लेते, मतलब वो फ़र्क सिर्फ बहुत कम होता चला जाता है, और जो मेजर फ़र्क है वो तो पुरानी चीज़ों से भी पूरा हो सकता है। एक अंतिम और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, हमारा यह प्रोग्राम देश के गांव-गांव में देखा जा रहा है,
आप मेट्रो सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेट्रो सिटी और ग्रामीण क्षेत्र के खर्च करने की कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कम से कम कितने रुपए की मेडिसिन में मरीज अपने डायबिटीज को नियंत्रण में रख सकता है। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया आपको, ये डिपेंड करता है कितनी सिवेरिटी और कैसी डायबिटीज़ है। रूटीन डायबिटीज़ और यूजुअल डायबिटीज़ होती है, अगर उसका कोई पेशेंट आता है तो ना तो सिर्फ ब्लड शुगर, एक किडनी टेस्ट, एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, आँख का टेस्ट, सिर्फ इतना करना होता है। डाइट एडवाइस बतानी होती है प्रॉपर, डायबिटीज़ के बारे में सिखाना होता है, पेशेंट को मोटिवेट करना होता है। सबसे बड़ा काम वही होता है कि वो डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करे, और ऐसी दवाइयाँ जो कि सरकार के भी प्राइस कंट्रोल में है। इवन इंसुलिन, जो इंडिया में जो वायल वाली इंसुलिन है, वो सबसे सस्ती है शायद दुनिया में, या सबसे सस्ते देशों में है इंडिया उसमें, बिकॉज ऑफ प्राइस कंट्रोल। तो जो नॉर्मल डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं वो इतनी महंगी नहीं है। अगर सिर्फ मेडिसिन की बात करें तो 500 रुपये महीने में आसानी से अधिकतर लोग अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। पर अगर कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है और बहुत ही, तो अलग बात है। बट जो यूजुअल डायबिटीज़, जो बल्क, बड़े आसानी से, क्योंकि 20 रुपये रोज़ का खर्चा ही तो हुआ मेडिसिन का, उसमें आसानी से आपकी मेडिसिन आ सकती हैं, विशेषकर डायबिटीज़ की शुरुआत में, कोई ऐसी बात नहीं। आप सभी को बता दूं कि द हेल्थ केयर टूडे हॉस्पिटल, डॉक्टर और मरीज के बीच एक ऐसा पुल है जो किसी को टूटने नहीं देगा। हमने देश के गाँव के हालात देखे हैं, वहाँ लोगों के लिए 500 रुपया भी काफ़ी मायने रखता है। लेकिन घबराए नहीं, द हेल्थ केयर टूडे अपने डॉक्टरों की टीम के आधार पर आपको मात्र 20 रुपये प्रति माह की मेडिसिन बताएगा, जिससे आप हर माह 20 रुपया खर्च कर अपने डायबिटीज पर नियंत्रण कर सकेंगे। मैं कोई चूर्ण या घरेलू नुस्खे की बात नहीं कर रहा, एलोपैथ में ही मेटफॉर्मिन नाम की एक ऐसी मेडिसिन आती है जो इंटरनेशनल लेवल पर डायबिटीज के लिए सबसे बेहतर मेडिसिन मानी जाती है। आप किसी भी जन औषधि केंद्र पर जाकर एक महीने की मेडिसिन सिर्फ 20 रुपये में खरीद सकते हैं। हाँ, यदि आप गर्भवती हैं, किडनी या हार्ट के मरीज हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें। कम पैसे में बेहतर इलाज यदि नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपनी रिपोर्ट द हेल्थ केयर टूडे को भेजें। द हेल्थ केयर टूडे की डॉक्टर टीम आपको इलाज संबंधी पूरी जानकारी देगी। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हम रखें आपका ख्याल। हम अपने प्रोग्राम से थोड़ा सा समय बचाकर आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लाए, क्योंकि यह जानकारी देना काफी जरूरी था। ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। इस ठंड में मकर संक्रांति की रात को द हेल्थ केयर टूडे की टीम एम्स के बाहर फुटपाथ पर खुले आकाश में जिंदगी गुजर बसर करने वाले गरीब मरीज के हाल को जानने रात के 12 बजे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंची। इससे पहले कुछ राष्ट्रीय चैनल भी वहां गरीब मरीज के बदतर हालात को दिखा चुके थे। हालात का अंदाजा पहले से था, इसलिए द हेल्थ केयर टुडे ने 2 दर्जन कंबल भी साथ ले लिए थे। एम्स के बाहर रात को पहुंचने के बाद पूरी तस्वीर उल्टी दिखी। देखिए हालात। एम्स के आसपास विभिन्न प्रदेश से आए गरीब मरीज के लिए 5 रैन बसेरे बनाए गए, जिनमें लगभग 1000 लोग रात गुजारते हैं। उन्हें कारपेट पे बिस्तर के अलावा कंबल भी दिया जा रहा है, सुबह चाय और बिस्किट भी दिया जाता है। मेरे पास दरी है और कंबल है, जूट मेट है, ये सब हम देते हैं। और सुबह में 6 बजे चाय बिस्किट खिलाते पिलाते हैं सब लोग की जगह के। तो फिर क्या एम्स के बाहर इस छुटरा देने वाली ठंड में खुले आकाश के नीचे सोने वालों के लिए जगह नहीं है? जगह है जनाब, यहाँ ये सारे कंबल के दंगल में लगे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ दान के कंबल लेकर बेचने की होड़ लगी हुई है। फुटपाथ पर रात गुजारने वाले ये गरीब बोरे में भर भर कर कंबल जमा करके रखते हैं। सुबह होते ही ये कंबल बाजार में 50-50 रुपये में बेच जाते हैं। हमारी टीम बहुत कोशिश के बाद मात्र 5 लोगों को कंबल बांट पाई। शायद उन्हें कंबल की जरूरत थी।
जरूरतमंद को कंबल नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं वो भागते हैं गाड़ी के पास और कंबल खींच के अपने बोरे में रख लेते हैं। क्या करते हैं ये बेचते हैं कंबल, ये भैया हम कलाम जी देख रहे हैं भर भर के बांधते हैं लेटते हैं, ये कंबल बेचते हैं। हाँ, सब बेचते हैं। बोरे में कंबल है तो फिर भी कंबल के लिए बैठे हुए हो? ना अब सो जाऊंगा, ऐसे बैठा था अब सो जाऊंगा। कंबल यहाँ जो है सो बिक जाता है? हाँ जी, 50 रुपए लोग तो बोरी भर के आप रखे हैं, रोज बेचते हैं सर। यहाँ कब से काम कर रहे हो? सर यहाँ हो गया 5-6 साल हो गया सर। तो इन लोगों को देख रहे हो कंबल के? अरे सर ये लोग आए हैं जैसे ढाकचर बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, कम्बल में बोरी में भर भर सर। नीचे अपना नैन बसेड़ा दे रखा है सरकार ने, नैन बसेड़े में नहीं रहते हैं, सड़क पे आके सर कम्बल के लिए लाइन लगाते हैं। क्या हुआ है? ब्रेंट मेरे को तो हार्ट का है, मेरी मौसी को भी है तो उनका कैंसर है, ब्रेन कैंसर। कहाँ इलाज करा रहे हो? एम्स में, यहाँ लाल बिल्डिंग में। यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं कंबल के लिए। क्यों कंबल? कंबल नहीं है। कैसे नहीं, इतने लोग मिले तुम्हें क्यों नहीं मिला? हम लोग इधर आते नहीं, भीड़ भड़ाका में नहीं मिलता हम लोग को, बच्चे दबा देते हम लोग को। तो मम्मी के पास है कंबल? हाँ एक ही है, और दूसरा कंबल चाहिए। जो कंबल देने वाले आते हैं वो लोग भड़बड़ा के घबड़ा के, अब ये जैसे महिला बता रही है इसको कंबल नहीं मिला, इसके शरीर में जान नहीं है इसलिए कंबल नहीं मिला। जिनके शरीर में जान है जो खा पी रहे हैं दिन में 10 बार वो लोग कंबल खींच लेते हैं, जिनको आवश्यकता है उनको कंबल नहीं मिल पाते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको वो 4-4 कंबल लेके बोरे भर भर के ले जाते हैं यहाँ से। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग धोखे में जरूरतमंद समझ कंबल बांट कर खुश हो रहे हैं कि उन्होंने कुछ पुण्य किया है, लेकिन यह उनके साथ धोखा है। द हेल्थ केयर टुडे की आप सभी को सलाह है कि आप यदि किसी की मदद करना चाहते हैं तो मदद करने से पहले ध्यान रखें कि यह मदद लेने वाले लोग इमोशनल धंधा तो नहीं कर रहे हैं।